चलिए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को आगे बढ़ाते हैं लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एडवांटेशियस रूट मॉडिफिकेशन में स्टडी किया था कुछ बच्चों के आ, मुझे व्हाट्सएप पे अच्छे से कुछ क्वेश्चन आए हैं उनका भी मैं साथ ही साथ आंसर और एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपका पूरा कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और जब आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो वाकई में मुझे बहुत खुशी होती है ये जान के कि आप इंटरेस्ट से पढ़ाई कर रहे हैं क्वेश्चन वही स्टूडेंट पूछता है जो बहुत अच्छे से इंटरेस्ट से, से गहराई में टॉपिक के उतर जाता है चाहता ये हूं मैं कि आप सब लोग उतनी ही गहराई में पढ़े उतने ही अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन से पढ़े ताकि आपके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट हो आप पूछे और मैं खुशी खुशी उसका एक्सप्लेनेशन आपको या तो व्हाट्सअप पे दे दूं या तो फिर वीडियो लेक्चर के अंदर तो चलिए आगे बढ़ते हैं सो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन देखिए एक बच्ची ने अच्छा सवाल पूछा था कि सर जैसा आपने पहले फ्लो चार्ट बना के हम लोगों को टॉपिक बहुत आसान बना दिए थे वैसे ही इसका भी एक फ्लोचार्ट बना दें तो मैं इसका एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं आप लोग ओके okay, तो लिंक थोड़ी सी इंटरप्ट हो गई थी नेट की फिर से कंटिन्यू करते हैं एडवेंटेस रूट मॉडिफिकेशन आर मेनली क्लासिफाई फॉर थ्री पर्पज़ेस द फर्स्ट परपज इज मॉडिफिकेशन फॉर फिजिकल सपोर्ट क्योंकि स्ट्रीम उतने स्ट्रांग नहीं होता है कि अपनी ब्रांचेस को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके इसीलिए मजबूरन रूट को मॉडिफाई होना पड़ता है Physical support. Ke liye. Second modification for advantageous root is for storage of food material, means root store the extra amount of food material and become thick and fleshy. Third type or third purpose for modification is vital function. इटल फंक्शन मीन्स नेसेसरी फंक्शन तो देखिये बच्चो लास्ट में हमने जो पढ़ा था उसको एकदम फास्ट में रिवाइज करूंगा क्योंकि आज हम इसको फ्लो चार्ट में यानी मेमोरी मैप में स्टडी कर रहे हैं देखिए यह मेथड आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा तो फर्स्ट पर्पज हम स्टडी करने जा रहे हैं मॉडिफिकेशन फॉर फिजिकल सपोर्ट इसमें हमने दो टाइप देखी थी फर्स्ट वन इज स्टिल ट्रूट ओके एंड सेकेंड वन इज प्रॉप रूट सिक्वेंस आगे पीछे हो सकती है चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन आपको याद यह रखना है कि कौन से रूट का पर्पस कौन सा है तो स्टिल रूट एंड प्रॉप रूट आर मोडिफाइड फॉर फिजिकल सपोर्ट इसमें एक और बच्चों आपको आज ऐड कर देता हूं थर्ड वन इज क्लाइंबिंग रूट क्लाइंब का मतलब तो आप समझते हैं क्लाइंब का मतलब होता है रेंगते रेंगते आगे जाना एक प्लांट हमारे पास में है बीटेल्स जिसका हिंदी मतलब होता है पान आपने पान देखा होगा पान खाया भी होगा कई मरताब आपने तो वो पान की बच्चों बेल आती है उसके स्टेम बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है बड़े बड़े लीव्स को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता इसीलिए क्या होगा कि पान की जो बेल है उसके स्टेम पर नोट्स होते हैं नोट्स तो स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक है और नोड से रूट डेवलप होती है क्योंकि ये मॉडिफिकेशन है सबके सब एक्सेप्शनल केसेस हैं इसीलिए रूट इज़ डेवलप फ्रॉम द नोड हालांकि बेसिकली नोड से कौन डेवलप होगा ब्रांच और लीफ डेवलप हो सकता है लेकिन यहां पर नोड से रूट डेवलप होती है एंड दैट रूट इज यूज फॉर क्लाइंबिंग पर्पज यानी प्लांट बॉडी को आगे आगे लेते लेकर जाना जैसा हम पैर से आगे चलते हैं वैसा हर नोड से रूट डेवलप होती है एडवांटेसियस रूट और वो रूट प्लांट बॉडी को आगे क्लाइम करती है तो क्लाइंबिंग रूट इज डेवलप फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक लिखता हूं इसका इट इज इस डेवलप्ड फ्रॉम नोड ऑफ स्टेम एग्जाम्पल अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया पान उसका इंग्लिश नेम है बीटेल और बायोलॉजिकल नेम भी आपको याद रखना है पाइपर बीटेल इज अ बायोलॉजिकल नेम ऑफ द पान यहां पे आप हिंदी में लिख सकते हैं अगर आपको याद रखना है तो सो दिस इज द क्लाइंबिंग रूट तो फिजिकल सपोर्ट में बच्चों आपके पास में तीन टाइप की रूट है स्टिल रूट का एग्जाम्पल कल हमने देखा लिख करके नहीं दूंगा ओरल भले ही बता दूंगा स्टिल रूट का एग्जाम्पल क्या है मेस जवार शुगर केन प्रॉप रूट के दो एग्जाम्पल हमने देखा बनियान ट्री रबर ट्री ओके फिजिकल सपोर्ट में तीन टाइप नेक्स्ट कैटेगरी और नेक्स्ट पर्पज इज मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटेश रूट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल यानी रूट अपने अंदर फूड रिजर्व करके क्या हो जाएगी थिक एंड फ्लैशी तो थिक एंड फ्लैशी ये सभी टाइप में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक रहेगा इसलिए इसको मैं डायरेक्ट ऊपर लिख देता हूं मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड में सबसे पहली टाइप है बच्चों ट्यूबेरस रूट कल हमने स्टडी किया ट्यूबेरस का एग्जाम्पल बोलिए यस, स्वीट पोटैटो विच इज बायोलॉजिकलीस आइपोमिया बटाटाज सेकंड रूट विच इज मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड इज फैसिक्यूलेटेड रूट फैसिक्यूलेटेड रूट क्लस्टर में होती है ग्रुप में होती है ट्यूबेरस रूट सिंगल होती है ट्यूबेरस रूट का कलर ब्राउन होता है फेसिक्यूलेटेड का कलर व्हाइट होता है फेसिक्यूलेटेड में हमने दो एग्जाम्पल देखा था एस्परेगस एंड दाह गुड थर्ड टाइप अब यहां से हमको आगे बढ़ने कल यहां तक हमारा टॉपिक हो गया था तो थर्ड टाइप इज मोनोली फॉर्म रूट एक बार इसका नाम आप याद कीजिए रिवाइज कीजिए मोनोली फॉर्म रूट यस बोलिए मोनोली फॉर्म रूट इस मोनोली फॉर्म रूट में क्या होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ गैप के साथ साथ स्वेलिंग्स आती है एग्जाम्पल मैं यहां पे डायग्राम ड्रॉ करता हूं दिस इज द रूट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यहां पे स्वेलिंग आई इक्वल इंटरवल ऑफ गैप्स में यानी फॉर एग्जांपल एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर दो स्वेलिंग है फिर एक सेंटीमीटर पे स्वेलिंग है फिर एक सेंटीमीटर पे और स्वेलिंग है तो यहां पे कैरेक्टरिस्टिक हमको लिखना पड़ेगा इन फॉर्म रूट रूट इज स्वेलन एट इक्वल डिस्टेंस एकदम सिंपल लैंग्वेज में इससे ज्यादा कॉम्प्लीकेटेड याद भी मत रखिएगा स्वेलन एट इक्वल डिस्टेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोलिफॉर्म मोनोलिफॉर्म रूट का एग्जाम्पल बच्चों याद रखिएगा ममोरडिका ममोरडिका प्लांट का नाम है इस प्लांट के रूट में स्वेलिंग होती है इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस के बाद में ठीक है नो नेक्स्ट टाइप इन द सेम कैटेगरी दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड एज नोड्यूलोज रूट नोड्यूलोज देखिए नोड्यूलेटेड अलग है नॉड्यू लेटेड हमने टैप रूट में स्टडी किया था रूट नोड्यूल्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जाकर के बस जाते हैं अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं ओके सॉरी इट इज नोड्यूलोज रूट इन दिस नोड्यूलोज रूट स्वेलिंग इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट ये रूट है बच्चों और एंड पॉइंट पर सिंगल स्वेलिंग आई इस स्वेलिंग के अंदर फूड स्टोर है यहां पर भी जो स्वेलिंग है इनमें भी फूड स्टोर है सो इन नोड्यूलोज रूट स्वेलिंग कैरेक्टर यहां पर मैंशन करना जरूरी है स्वेलन एट टिप बस फिनिश तीन ही वर्ड में याद रखना है नोड्यूलोज रूट का कैरेक्टर व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ नोड्यूलोज रूट सोयलन सोयलिंग इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट नाउ इट इज अ टाइम टू राइट एग्जांपल ऑफ नोड्यूलोज रूट नोड्यूलोज रूट का एग्जांपल ध्यान में रखिएगा मैंगो जिंजर देखिए ये एक ही प्लांट का नाम नहीं है मतलब मैंगो का जो ट्री होता है वो नहीं है जिंजर मतलब अदरक का जो प्लांट होता है वो नहीं है मैंगो जिंजर एक अलग ही किस्म का प्लांट होता है ना आम का है और ना ही अदरक का प्लांट है तो सिंगल नेम दिट इज मैंगो जिंजर इज द एग्जाम्पल ऑफ नोड्यूलोस रूट नो लास्ट टाइप इन द कैटेगरी ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड इज एन्यूलेटेड रूट एन्यूलेटेड देखिए एन्यूलेटेड ये वर्ड बना एन्यूलर से और एन्यूलर का मतलब होता है रिंग यहां पर हमने देखा फॉर्म रूट में कि स्वेलिंग इज प्रेजेंट एट इक्वल डिस्टेंस यहां पर रिंग्स आर प्रेजेंट एट इक्वल डिस्टेंस समझ में आ रहा डिफरेंस स्वेलिंग एट इक्वल डिस्टेंस फॉर्म रूट रिंग्स आर प्रेजेंट एट इक्वल डिस्टेंस एन्यूलेटेड रूट तो कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा हूं एन्यूलेटेड रूट का एट इक्वल डिस्टेंस एन्यूलेटेड रूट एग्जाम्पल ऑफ एन्यूलेटेड रूट इसक प्लांट का नाम है बच्चों इपी कैक याद रखना है मैं आपको याद करने में हेल्प करता हूं अपने को रिवाइज करना पड़ेगा एक मरतबा तो चलिए शुरू से आते हैं हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं एडवांटेशन एडवांटेस रूट मॉडिफिकेशन आर डिवाइडेड इंटू थ्री मेन कैटेगरी कैटेगरी रिप्रेजेंट द परपज ऑफ मॉडिफिकेशन सो वट इज द फर्स्ट परपज फिजिकल सपोर्ट सेकेंड परपज स्टोरेज ऑफ फूड थर्ड परपज वाइटल फंक्शन आपको याद कैसा रखना है एडवांटेजियस रूट मॉडिफिकेशन फिजिकल सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड वाइटल फंक्शन बोलिए एक मरतबा फिजिकल सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड वाइटल फंक्शन फिजिकल सपोर्ट में बच्चों तीन कैटेगरी कौन सी कौन सी स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट क्लाइंबिंग रूट स्टिल्ट रूट के एग्जांपल्स मेज जवार शुगर केन प्रॉप रूट के एग्जांपल बनियान ट्री रबर ट्री क्लाइंबिंग रूट के एग्जांपल पाइपर बीटेल यानी कि पान फिर सेकंड बीच के कैटेगरी में आ जाइए सेकंड कैटेगरी इज मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड इसमें कितने टाइप्स हैं तो हमने इसमें पांच टाइप स्टडी किए पांचवी टाइप नीचे हैं ओके okay. कौन से कौन से पांच ट्यूबेरस फैसिक्यूलेटेड मोनोलीफ़ॉर्म नोड्यूलोस एन्यूलेटेड एक बार टाइप्स के नाम फिर से याद कीजिए ट्यूबेरस फैसिक्यूलेटेड मोनोलिफॉर्म एन्यूलेटेड वापिस पहली टाइप ट्यूबेरस ट्यूबेरस का एग्जाम्पल आइपोमिया बटाटास मतलब स्वीट पोटैटो फेसिक्यूलेटेड में दो एग्जाम्पल एस्परेग दहलिया मोनोलिफ फॉर्म कैरेक्टर के साथ याद रखना है आपको कैरेक्टर भी याद रख लीजिए मोनोलिफ फॉर्म का एग्जाम्पल का ओके नोड्यूलोज रूट एग्जाम्पल मैंगो जिंजर एन्यूलेटेड रूट एग्जाम्पल इपिकैक ये तरीका होता है याद रखने का आप इसको सिर्फ पांच से दस मिनट गिन करके पूरे दिल से पूरी डीप में याद करेंगे तो आपको यह याद हो जाएगा हमेशा के लिए चलिए अब हमारे पास तो इतना समय नहीं है इसलिए नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ फॉर थर्ड फॉर परपज वाइटल फंक्शन वाइटल फंक्शन मीन्स नेसेसरी फंक्शन इसमें पहली टाइप जो कल हमने बच्चों स्टडी किया था दैट इज फोटोसिंथेटिक रूट इस पे एक स्टूडेंट है आप ही की बैच में मोहनानी उनका क्वेश्चन आया था कि सर ये रूट तो सॉइल के नीचे होती है इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट अगर रहा भी तो सनलाइट नहीं मिल पाएगी सो हाउ कैन दिस रूट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत इंप्रेस हुआ मैं ये क्वेश्चन सुनकर आंसर भी दिया WhatsApp पर रिप्लाई किया हाथों हाथ लेकिन फिर भी कैमरे के सामने और एक बार सभी बच्चों को एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि हो सकता है कि सभी के मन में ये क्वेश्चन होगा तो देखिए बच्चों ये एक्सेप्शनल केस है इसीलिए ये जो फोटोसिंथेटिक रूट होती है ये सॉइल के नीचे डेवलप नहीं होगी बल्कि स्टेम का जो अपेक्स होता है मतलब टॉपमोस्ट पोर्शन होता है वहां से ये रूट डेवलप होती है जिस तरह बनियान ट्री में मतलब रूट डेवलप होती है सेम उसी तरह ट्रेपा टीनोस्पोरा और पोडोस्टेमन इन तीन प्लांट्स में ये रूट स्टेम अपेक्सराइज होती है दीज रूट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट एंड एब्सॉर्व द लाइट एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ओके

वाटर में रहने वाले प्लांट्स को एक्वेटिक प्लांट कहते हैं कौन सा प्लांट एक्वेटिक प्लांट एक्वा मतलब वाटर एक्वेटिक प्लांट का जो रूट होता है बच्चों वो सॉइल के नीचे नहीं जाता क्योंकि प्लांट खुद वाटर पे है तो रूट सॉइल के अंदर जा ही नहीं सकता है। उनमें से भी कुछ एक्वेटिक प्लांट ऐसे हैं जिनका रूट प्लांट को स्विमिंग करने में हेल्प करता है यानी फ्लोट होने में मदद करता है फ्लोटिंग रूट का एग्जाम्पल पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक लिख दू क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम स्टडी कर रहे हैं ना फोटोसिंथेटिक रूट तो हमने कल भी स्टडी कर लिया था तो फ्लोटिंग रूट ध्यान में रखिए इट इज अ रूट इजोंपॉन्जी मतलब स्पॉन्ज के जैसी नरम नरम रूट आती है एकदम फॉर एग्जाम्पल ये पेन रूट है आप इसको हाथ लगाएंगे एकदम नरम रहेंगे ब्रेड की तरह नरम रहेगी तो दिस इज स्पॉन्जी रूट हेल्प फॉर हेल्प फॉर स्विमिंग ऑफ द प्लांट यानी प्लांट को स्विम होने में मदद करेगी एग्जाम्पल एग्जाम्पल तो बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछता है ओके okay, तो फ्लोटिंग रूट का एग्जाम्पल बच्चों याद रखिएगा जुसिया जुसाइया बोलते से जुसाइया प्लांट का नाम है फर्स्ट टाइम हमने सुने तो थो थोड़ी सी हंसी आती होंगी कि यार ये कैसा नाम है लेकिन है तो आपको याद रख लेना है तो फ्लोटिंग रूट का एग्जाम्पल जुसाइया नेक्स्ट टाइप इन द वाइटल फंक्शन इज इपीफाइटिक रूट नंबर थ्री देखिए एकदम आराम आराम से आप जाएंगे तो बहुत अच्छे से दिमाग में अब्जोर्व होगा इपी का मतलब क्या होता है बच्चों अबव इपी मतलब अबव अगर कोई चीज मेरे सर के ऊपर रखी हुई है तो मैं उसे कह सकते इपी हेड यानी वो चीज सर के ऊपर रखी हुई है इपी का मतलब होता है अब और फाइट का मतलब होता है प्लांट इपी फाइटिक रूट रूट डेवलप अब अदर प्लांट बॉडी मान लीजिए आपके पास में दो प्लांट है प्लांट नंबर ए प्लांट नंबर बी प्लांट ए का एरियल रूट अंडरग्राउंड नहीं होता है ये रूट क्योंकि एक्सेप्शनल केस है प्लांट ए के एरियल पार्ट से रूट निकलती है और प्लांट बी के एरियल पार्ट पर अटैच हो जाती है फिजिकल सपोर्ट के लिए प्लांट को पकड़कर रखने के लिए तो इसे कहते हैं इपीफाइटिक रूट इपीफाइटिक रूट इज कवर्ड बाय कवर्ड बाय स्पॉन्जी टिश्यू देखो फिर से वर्ड आ गया स्पॉन्जी मतलब एकदम नरम टिश्यू से यह रूट घेरी हुई होती है एंड दिस रूट विच इज कवर्ड बाय स्पॉन्जी टिश्यू देखिए ध्यान से ये जो स्पॉन्जी टिश्यू है बच्चों दीज स्पॉन्जी टिश्यूज आर कॉल्ड एस वैलेमन स्पेलिंग देखिए ध्यान से वी एल ई एम एन वेलेमन एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि वेलेमन टिश्यू कौन सी रूट में होती है वेलेमन टिश्यूज आर प्रेजेंट इन इपीफाइटिक रूट आपको पूरा याद रखना है वेलेमन आर द स्पजी टिश्यूज व्हाट आर वेलेमन वेलेमन आर द स्पजी टिश्यू विच आर प्रेजेंट इन इपीफाइटिक रूट एंड द फंक्शन ऑफ दिस वेलेमन इज एबसॉर्बशन ऑफ मॉइस्चर एब्सॉर्बन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम ये इन्वायरमेंट को शॉर्ट में लिखा मैं इन्वायरमेंट मतलब रूट के एरियल रूट के आसपास जितना मॉइस्चर रहेगा वेलेमन टिश्यू वो उस मॉइस्चर को अपने अंदर क्या कर लेगी एब्सॉर्व कर लेगी So, function of velamen is what are velamen? Velamen are the spongy tissue and they absorb the moisture from the atmosphere. Okay? Velmen are present in which plants' epiphytic root. Example Example of epiphytic root is venda. Plant ka bacho, venda. And this venda belongs to category orchids. एनजोस्पर्म के दो ग्रुप्स ना ग्रुप और मोनोकॉट मोनोकॉट कैटेगरी में एक और इन, सब कैटेगरी है जिसे ऑर्किड कहते हैं तो ये वेंडा प्लांट एक ऑर्किड का मेंबर है जिसमें एरियल रूट पाई जाती है विच इज कवर्ड बाय स्पॉन्जी टिश्यू दैट आर वेलेमन एंड वेलेमन एब्सॉर्व द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोसफियर और इनवायरमेंट नाउ लास्ट टाइप अब ये चार्ट खत्म हो गया बच्चों सिर्फ लास्ट कैटेगरी आपको एक्सप्लेन करना है दैट इज पैरासाइटिक रूट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉस्टोरिया पैरासाइटिक रूट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉस्टोरिया पैरासाइट से वर्ड बना पैरासाइटिक रूट चलिए आप बताइए पैरासाइट किसे कहते हैं ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में जाता है वाटर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स, फूड एब्जॉर्व करता है और हमको नुकसान पहुंचाता है यानी एक और सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूं कि दो दोस्त हैं ए और बी ए बी से एब्जॉर्व कर रहा है फूड मटेरियल नुकसान पहुंचा रहा है और बी जो है वो ए को कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है ना पॉजिटिव ना Negative, क्योंकि बी जो है वो बहुत ही समझदार है तो ऐसे एसोसिएशन को पैरासाइटिक एसोसिएशन कहते हैं इस पैरासाइटिक रूट में होता क्या है कि दो प्लांट्स हैं एक प्लांट का एरियल रूट यहां पर सब एरियल रूट से बचो अंडरग्राउंड रूट एक भी नहीं है एक प्लांट का एरियल रूट अपनी ब्रांचेस को दूसरे प्लांट के स्टेम के अंदर पेनिट्रेट करेगा रूट ऑफ वन प्लांट पेनीट्रेट इन टू द स्टेम ऑफ अन अदर प्लांट स्टेम के सेंटर तक जाएगी वो रूट जैसा सुई देता है डॉक्टर हमको तो सुई कैसे अंदर तक जाती है सेम उसी तरह से पहले प्लांट के रूट की ब्रांचेस दूसरे प्लांट के स्टेम के सेंटर तक जाएगी यानी म और फ्लेम तक जाएगी। जाएगीम से ये रूट वाटर एब्सॉर्व करके पहले प्लांट को प्रोवाइड करेगी फ्लोएम से फूड एब्सोर्व करके पहले प्लांट को प्रोवाइड करेगी तो दूसरा जो प्लांट नुकसान हो गया और पहले प्लांट को क्या हो गया बच्चों बेनिफिट हो गया इट इज कॉल्ड एस पैरासाइटिक एसोसिएशन तो यहां पे मैं पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखूंगा हर बार की तरह पैरासाइटिक रूट में क्या होता है ब्रांचेस ऑफ रूट फ्रॉम वन प्लांट पेनीट्रेट पेनीट्रेट का मतलब अंदर दाखिल होना या अंदर इंटर होना पेनीट्रेट अप टू जायलेमेंट फ्लेम तो बच्चो जयलेमेंट फ्लेम को क्या कहते हैं वस्क्यूलर टिश्यू अप टू वस्क्यूलर टिश्यू ऑफ अनादर प्लांट अनादर और आप नेबरिंग प्लांट भी कह सकते हैं इसे वस्कुलर टिश्यू ऑफ अनादर प्लांट इस कॉल्ड एस पैरासाइटिक रूट देखिए पैरासाइटिक रूट में दो एग्जाम्पल्स हैं और बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा मैं बहुत अलग कलर की पेन से इसको लिख रहा हूं पहला एग्जाम्पल है बच्चों कस्क्यूटा और दूसरे एग्जाम्पल है इसमें विस्कम कस्क्यूटा एंड विस्कम आर द प्लांट विच हैविंग पैरासाइटिक रूट कस्क्यूटा इज अल्सो कॉल्ड एज टोटल रूट पैरासाइट एंड विस्कम इज ऑल्सो कॉल्ड एस पार्शियल रूट पैरासाइट कस्क्यूटा को टोटल रूट पैरासाइट कहा गया विस्कम को पार्शियल रूट पैरासाइट कहा गया देखिए मैं हर मरतबा स्टूडेंट को बताते रहता हूं कि जब तक के पूरा कंसेप्ट हमारे को नहीं समझता जब तक के हमको इंटरेस्ट भी नहीं आता है मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि डिटेल कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आपके ब्रेन के अंदर डालने की पूरी पूरी कोशिश करूं तो यहां पर देखिए कि कस्क्यूटा को टोटल रूट पैरासाइट क्यों कहा गया विस्कम को पार्शियल रूट पैरासाइट क्यों कहा गया देखिए वस्क्यूलर टिश्यू जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं जाइलेम एंड फ्लोइंग दोनों को मिला के बंडल कहते हैं या वस्क्युलर टिश्यू कहते हैं स्क्यूटा प्लांट का रूट ब्रांचेस नेबरिंग प्लांट के में भी पेनिट्रेट करती हैं और में भी पेनिट्रेट करती हैं। से वाटर एब्जॉर्व करेगी फ्लोएम से फूड एब्सॉर्व करेगी मतलब दोनों वस्कुलर बंडल में रूट की ब्रांचेस गई एक से वाटर खींच लिया और एक से फूड खींच लिया हो गया टोटल रूट पैरासाइट लेकिन विस्कम प्लांट का जो रूट ब्रांचेस हैं वो नेबरिंग प्लांट के सिर्फ जाइलम में ही पेनिट्रेट करता है ओनली इन दाइलेम नॉट इन द्लेम तो दो वस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लेम विस्कम के ब्रांचेस सिर्फ कहां पर पेनिट्रेट हुई जाइलम से सिर्फ क्या एब्सॉर्व कर पाएगी वाटर एब्जॉर्व कर पाएगी फ्लेम के अंदर ब्रांचेस पेनिट्रेट नहीं हुई इसीलिए विस्कम को कहा गया पार्शियल रूट पैरासाइट ओके तो ये इस तरह से आपको याद रखना है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटिशियस रूट चलिए एक मरतबा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक्सप्लेन कर दू फिर से मतलब रिवाइज कर दू आपको याद करा दू तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है एक मिनट क्योंकि ये लाइव लेक्चर है इसमें चैट बॉक्स का बहुत ही अच्छा ऑप्शन हम लोगों के पास में कि हम हाथों हाथ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं तो आप लोग बताएं तो मैं रिवाइज कर दूं नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं ओके okay. तो चलिए बच्चों ये चार्ट आपके सामने ला देता हूं आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स प्रिपेयर करने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाए देखिए यहां से स्टार्ट हो रहे है। ओके फिर नेक्स्ट पोर्शन ये है और नीचे जब आप जाएंगे तो ये वाला पोर्शन भी आपको मिल जाएगा ठीक है तो चलिए रूट यहां पर कंप्लीट हुई रूट का हमने पहले ही बेसिक स्ट्रक्चर देखा था रूट के बेसिक फंक्शंस हमने देखे थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ अब हमने रूट के पूरी तरह से मॉडिफिकेशन भी स्टडी कर लिए ओके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं अब देखिए नेक्स्ट वेजिटेटिव ऑर्गन आते हैं बच्चों स्टेम स्टेम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक भी हमने स्टडी कर ही लिए थे एक मरतबा ओरली आपको रिवाइज कर देता हूं स्टेम इज डेवलप फ्रॉम द प्लीम्यूल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस पिल्यूम्यूल पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस प्लीम्यूल इज एंड पॉइंट ऑफ द इपीकोटल स्टेम हमेशा सनलाइट की तरफ बढ़ता है इसीलिए आप स्टेम को पॉजिटिवली फोटो ट्रॉफिक कह सकते हैं इट इज निगेटिवली जियोट्रॉपिक एज वेल एज निगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक दिस आर द डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट इन द स्टेम स्टेम इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ नोट्स एंड इंटर नोट्स नोट्स से कौन डेवलप होते हैं नोट्स से या तो ब्रांच डेवलप होगी या तो लीफ डेवलप होगा या तो फिर फ्लावर डेवलप होगा अब देखिए एक बच्चे ने मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था आ, कि सर बर्ड किसे कहते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। बर्ड एक्सप्लेन करने के पहले देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये स्टेम है सपोज दिस इज स्टेम च इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ नोट्स एंड इंटर नोट्स ओके नोट से मान लीजिए डेवलप होता है लीफ तो दिस इज सपोज लीफ लीफ और स्टेम के बीच में जो एंगल होता है बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं आप ध्यान से सुनिए एंगल बिटवीन स्टेम एंड लीफ एंगल बिटवीन स्टेम एंड लीफ यानी इस एंगल की बात हो रही है यहां पे, दिस एंगल दिस एंगल इज कॉल्ड एक्साइल एक्साइल एंगल बिटवीन स्टेम एंड लीफ इज एज एक्साइल अब हम आते हैं बर्ड की तरफ कि बर्ड किसे कहा जाएगा सो बर्ड इज अ ग्रोइंग पॉइंट ऐसा पॉइंट जहां से ब्रांच निकलने वाली है ग्रोइंग पॉइंट विच इज कवर्ड बाय इमेच्योअर लीव्स कवर्ड बाय इमेच्योअर्ड लीव्स बर्ड ऐसा ग्रोइंग पॉइंट है जिसपे बहुत सारे इमेच्योअर लीव्स प्रेजेंट होते हैं मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं आपने पत्ता गोभी देखा होगा मतलब कैबेज एग्जाम्पल ऑफ बर्ड इज अबेज बच्चों याद रखिएगा कि कैबेज कैबेज इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बर्ड इन दिस वर्ल्ड सबसे बड़ी बर्ड प्लांट किंगडम में कैबेज होती है मतलब पत्ता गोभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लीफ उसको ओवरलैप कर जाते हैं और सेंटर में एक छोटा सा स्फेरिकल पॉइंट होता है वो ग्रोइंग पॉइंट होता है लेकिन जनरली प्लांट के स्टेम के ऊपर इसी तरह की इसी शेप की बहुत छोटी छोटी नोट्स आती है छोटी छोटी बर्ड्स आती है अब बर्ड्स के बच्चों अलग अलग टाइप है अगर बर्ड एक्साइल में डेवलप होती है तो इसे कहा जाएगा एक्सिलरी मतलब यहां पर बर्ड डेवलप होगी और यहां से फिर क्या होगा ब्रांच अराइज होगी ब्रांच के ऊपर फिर से नए लीव्स भी लग जाएंगे so, बर्ड डेवलप एट द एक्साइल व्हाट इज एक्साइल एक्साइल इज द एंगल बिटवीन स्टेम एंड लिव इफ बर्ड इज डेवलप इन द एग इट इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बर्ड एक्री होना चाहिए एक्सिलरी बर्ड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेटेल बर्ड क्योंकि स्टेम ऊपर है स्टेम इरेक्ट है और साइड में बर्ड डेवलप हुई साइड को कहते हैं लेटरलो एक्सिलरी बर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेटरल बर्ड नेक्स्ट थिंग कई मरतबा क्या होता है बच्चों के ब्रांच के एंड में फिर से बर्ड डेवलप होती है ब्रांच के एंड में या स्टेम के टॉप मोस्ट पॉइंट पर सो द बर्ड विच इज डेवलप एट द एंड पॉइंट ऑफ ब्रांच और एट द एंड पॉइंट ऑफ स्टेम दिस बर्ड इज कॉल्ड एज टर्मिनल बर्ड टर्मिनल बर्ड इज अल्सो कॉल्ड एज अल बर्ड तो ये दो बर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सिलरी एंड टर्मिनल और अपाइकल एक्सिलरी का ही दूसरा नाम लेटरल बर्ड है और टर्मिनल का ही दूसरा नाम अपाइकल बर्ड है यहां तक के स्टेम के बारे में आप एक बार और रिवाइज कर लीजिए कल के लेक्चर से हम स्टेम के मॉडिफिकेशन स्टडी करेंगे ओके बहुत बड़ा और डिटेल टॉपिक है लेकिन मजेदार और इंटरेस्टिंग भी है थैंक यू वेरी मच